आफ्टर क्लास 10 बहुत सारे बच्चे मैथ्स के डर से कॉमर्स चूज कर लेते हैं और कॉमर्स के साथ दूसरे दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं ऑप्शनल में, बट जैसे फिर वो 12th के बाद सोचते हैं कि हमें सीए करना है एंड सीए की फील्ड में आना है एंड देखते हैं कि इसके एंट्रेंस लेवल पर मैथ्स है, तो वापस वो डर जाते हैं, वापस वो फियर्ड हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे तो सीए बनने का सपना ही छोड़ देते हैं। बट यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू शुड पैट योर बैक कि आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और इस मैथ्स के भूत से बिना डरे हुए इस सफर को एंजॉय किया एंड बहुत अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन की। अब बात आती है कि प्रिपरेशन तो आपकी हो चुकी है, कैसे अब आपको पेपर प्रेजेंट करना है, क्या स्ट्रैटेजी है जो आपको पेपर के टाइम पे ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि कैसे प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपर रखना है मैथ्स के पेपर में, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना उनको मैंने 5 कैटेगरीज में बाइफर्केट कर दिया है और ये 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस क्या है, मतलब मेजरली इन्हीं 5 कैटेगरी में से क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहला वो क्वेश्चन होता है जो कि आप देखते से ही सॉल्व कर लेते हैं, यानी वो क्वेश्चंस होंगे कि जो आपने ना बार बार सॉल्व कर रखे होंगे और उनके आंसर्स आपके माइंड में होंगे या आपको एकदम मगअप हो गए होंगे, तो जैसे ही उसको आप क्वेश्चन देखते हो एज इट इज वही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है एंड वो क्वेश्चन आप देख कर ही उसका आंसर कर सकते हैं। सेकेंड, वो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कोई ट्रिक लगती हो या टिप लगती हो या कुछ ऐसा ट्रिक्स जो है उससे उसके बेसिस पे वो सॉल्व होता है। थर्ड टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जिसको आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जो कि थोड़े से ज्यादा टाइम लेते हैं, यानी कि 2 से 3 मिनट उनको लगते हैं और उनमें कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं उसके बाद वो सॉल्व होते हैं। एंड फिफ्थ कैटेगरी के वो क्वेश्चन होते हैं जो कि पूरे ही नए होते हैं, आपने कभी उसको सॉल्व नहीं किया, उसको सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला होता है एंड वो आपको समझ नहीं आते। तो ये जो फिफ्थ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसी के कारण मैथ्स का जो पेपर है वो लोगों को लगता है टफ होता है। और हाँ, ये फिफ्थ वाले टाइप के क्वेश्चंस भी मैथ्स के पेपर में आते हैं बट इनका जो नंबर होता है बहुत कम होता है और बच्चे क्या करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को देखकर डर जाते हैं और बाकी की जो ऊपर के 4 टाइप्स के क्वेश्चंस है इन्हें देखकर उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता ही नहीं है, वो ये वाली चीज को देखकर ही घबरा जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैं आपको इसलिए वार्न कर रहा हूं कि आपको किन चीजों पर फोकस करना है, जो क्वेश्चंस ईजी है और जो ये ऊपर 4th कैटेगरी के क्वेश्चंस है इन कैटेगरी के क्वेश्चंस को देखना है आपको, आपको लास्ट कैटेगरी पे तो फोकस ही नहीं करना है। अभी हम लोग ये तो समझ लेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक और मैं आपको इंस्टेंस समझाना चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक डाइवर होता है और उसको स्विमिंग पूल क्रॉस करना होता है तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट से जाता है, स्विमिंग पूल के एंड तक जाएगा एंड वापस से वो पूरा जो है स्विमिंग पूल से एंड से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, इस तरह से वो डाइविंग करता है। सो बेसिकली हम लोगों को भी ये डाइविंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जब हम लोग मैथ्स का एमसीक्यू बेस्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो क्या करना है वो समझते हैं। देखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो आपको जो फर्स्ट आपका जो राउंड होगा 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फर्स्ट 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस देखना है, वो क्वेश्चंस जो कि आपने पहले कर रखे हैं बहुत बार, उसके आंसर्स आपको पता हो, वो क्वेश्चंस जो कि आपको कोई ट्रिक या टिप लगाओगे और उसके बाद वो सॉल्व हो जाएंगे एंड थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत इजीली कैलकुलेटर पर सॉल्व हो जाते हैं। सो ये फर्स्ट राउंड में आपको सारे क्वेश्चंस कर लेना है एंड मेजरली बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं। जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि यार भाई मैंने इतने सारे अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उसके बाद ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके बाद जब वापस से आप रिटर्न आ रहे हैं या फिर वापस से आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से वापस आएंगे आप एंड अब वो कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे जिसको आपको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगेगा, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपने मतलब 2 से 3 मिनट में फॉर्मूला लगाया और सॉल्व हो जाएगा। अब वो वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग जाएंगे सारे एंड ये वाले क्वेश्चंस जो सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एंड लास्टली फिर आपको वो क्वेश्चंस देखना है जो कि बिल्कुल ही नए हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के, और उस क्वेश्चंस में आप जो है या तो आपका लक भी लगा सकते हैं, तुक्का बोल सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, या फिर आप उसे प्रॉपरली सॉल्व करके और वो क्वेश्चंस सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। तो आप अगर इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इजी और जो आपको अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो लगता है कि थोड़े से ज्यादा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे एंड जो बिल्कुल ही नए तरह के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे एंड इस तरह से आप पूरा पेपर बहुत अच्छे से मैथ्स का अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड एक बहुत अच्छा स्कोर आप क्रिएट कर पाएंगे। सो ये स्ट्रेटेजी खुद मैंने अपने मैथ्स के सीए फाउंडेशन पेपर में फॉलो करी थी एंड रियली इट वर्क्स। सो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा एंड एकदम कॉन्फिडेंट रहिएगा, आप बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे हैं एंड रियली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स। सो आप ऐसे ही आगे फोकस करते रहिए अपनी स्टडीज पे और ऐसी अमेजिंग स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।